अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं नासिरुल इस्लाम और आप सबका खैर मकदम मेरी यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। USBRL प्रोजेक्ट की एक बहुत बड़ी अपडेट कि जिस तरह से आप जानते हैं कि संगलदान और बारामूला के बीच में ट्रेन चल रही है, हालांकि USBRL प्रोजेक्ट अभी भी पेंडिंग है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर कि संगलदान और रियासी के का जो सेक्शन है उसके ऊपर कल की डेट में यानी कि 28 जून को एक यानी कि तीसरी मरतबा आखिरी मरतबा जो हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल टेस्ट है वो किया गया, सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। और इसमें खुशी की बात यह थी कि चिनाब जो ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे ब्रिज या यूँ कहे कि दुनिया का आठवां अजूबा, उसके ऊपर भी ट्रेन ट्रायल टेस्ट जो है वो किए गए और वो सक्सेसफुल हुए। और कल की डेट के लिए यानी कि 30 जून के लिए कहा जा रहा था कि रियासी और संगलदान के बीच में ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन इस खबर के ऊपर कोई भी जानकारी रेलवे ऑफिशियल्स ने नहीं दी और न ही उनकी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर ऐसी कोई खबर छपी है। हालांकि जब संगलदान और रियासी के बीच में आखिरी ट्रायल टेस्ट किया गया हाई स्पीड का, तो उसके बाद साफ ही लोगों के साथ मीडिया के साथ बातचीत करते हुए रेलवे ऑफिशियल्स ने क्या कहा है रेल चलाने के बारे में, वो हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे कि क्या कहा है उन्होंने। लेकिन बहुत जल्दी ये जो सपना है वो पूरा होगा और ये खबर जो है वो सच साबित होगी कि रियासी और संगलदान के बीच में जो ट्रेन है वो चलाई जाएगी। और उसके बाद जो रियासी और कटरा का सेक्शन है उसमें वक्त लगने वाला है, क्योंकि वहां पर टनल वन के अंदर से जो अपडेट से नई वो निकल कर नहीं आ रही है कि वर्क प्रोग्रेस क्या है वहां पर, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 3-4 महीने का वक्त जो है वो उसमें भी लगकर इस साल के आखिर तक जम्मू श्रीनगर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, या यूं कहे कि कश्मीर जो है वो कन्याकुमारी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आप रेलवे ऑफिशियल्स की ये रिपोर्ट देखिए कि क्या कह रहे हैं वो रियासी रेलवे स्टेशन से आखिरी ट्रायल टेस्ट के दौरान। बोलिए बोलिए। इंस्पेक्शन पूरा हो गया है, पूरा जी विभिन्न लोगों के साथ में एक सघन निरीक्षण हुआ और निरीक्षण के दौरान जो भी हमारा जो रेलवे का जो नया स्ट्रक्चर बना है वो बहुत ही उसकी जो सारे जो पहलू हैं वो बहुत संतोषजनक पाए गए हैं जी। और गाड़ी चलाना से पहले बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, हम लोगों को बहुत सारे पहलुओं को देखना होता है, वो सारा देख के फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे। अभी सर अभी क्या कुछ ऑब्जर्व किया, क्या तैयार है ट्रेन आने के लिए यहाँ पे? अभी जो तकनीकी निरीक्षण होता है उसमें सारे जो डाटा आए हैं उनको अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं और बैठ करके बहुत जल्दी इस पर उचित फैसला करके और जो गाड़ी चलाने की प्रक्रिया सर क्या माने जल्दी सर की बहुत चैलेंजिंग काम था और इसमें सब लोगों ने मिल करके जो टीम थी सारी जो इस प्रोजेक्ट परियोजना को जो इम्प्लीमेंट कर रही थी उसमें हमारे देश की मैं कहूँगा कि बेस्ट ऑफ द टैलेंटेड टीम यहाँ पे लगी हुई थी जी। और भारत सरकार की एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रायोरिटी वाली परियोजना थी और इसका जो कार्य जिस तरीके से किया गया है वो बहुत ही उच्च कोटि का कार्य हुआ है और सराहनीय। सर क्या बोलेंगे